बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। गरीबी में दिन गुजर रहे थे। उसका एक बेटा भी था। बेटे का नाम था गुणी राम। वह परिश्रमी और नेक दिल था। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। अब वह अपनी सौतेली मां के साथ ही रहता था। गुणी राम भी अपने पिताजी के कामकाज में हाथ बटाता। वह अपनी पिताजी के साथ जंगल वाली खदान पर जाकर मूर्तियां बनाने में काम आने वाला पत्थर खोद कर लाता। हाथ में छेनी हथौड़ा लेकर स्वयं भी पिताजी के साथ साथ पत्थरों पर आकृति उकेरने का प्रयास करता। उसे इस काम में बड़ा आनंद आता। एक दिन वह अकेला ही जंगल की खदान पर पत्थर लेने चला गया। वहां सफेद वस्त्रों में एक बूढ़ा बाबा बांसुरी बजा रहा था। उसने मुस्कुराकर गुणी राम की तरफ देखा, फिर स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे गुणों की चर्चा पूरे गांव में फैली हुई है। तुम्हें मूर्तियां बनाने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें एक छेनी और हथौड़ा देता हूं, इससे तुम पत्थरों पर मूर्तियां उकेरना, फिर तुम्हारी मूर्तियां अच्छे दामों पर बिकेगी। इस छेनी हथौड़ी से हर बार नई नई आश्चर्यजनक मूर्तियां बनेंगी। कुछ रुककर साधु बाबा ने फिर कहा, हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम ज्यादा लालच मत करना तथा मूर्तियों को उचित दामों पर ही बेचना। यदि तुमने लोभ में पड़कर इससे ज्यादा दाम लेने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। इनसे मूर्तियों का निर्माण करते करते तुम्हारी कला में भी निखार आएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्धान हो गए। गुणी राम खुशी खुशी वह छेनी और हथौड़ा लेकर घर वापस आ गया। उसने अपने माता पिता को भी छेनी हथौड़ा दिखाई और पूरा वृत्तांत कहकर सुनाया। उसके माता पिता सब बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अब गुणी राम तरह तरह की कलात्मक मूर्तियों का निर्माण करने लगा। हर मूर्ति अपने आप में सुंदर और सजीव लगती थी। अब बाजार में उनकी मूर्तियां अच्छे दामों पर हाथों हाथ बिक जाती। जो भी उन मूर्तियों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। अब उन लोगों की दरिद्रता भी समाप्त हो गई थी। वे जिस गांव में रहते थे उस गांव के राजा ने एक महल बनवाया। शाही महल में श्रेष्ठ मूर्तियां स्थापित करवाने की इच्छा राजा ने अपने मंत्री से प्रकट करते हुए कहा, हमारे इस शाही महल में ऐसी मूर्तियां लगवाइए कि जो भी देखे आश्चर्य से देखते रह जाए। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं कल ही राज्य में ऐलान करवाता हूं कि जो भी शिल्पकार शाही महल के लिए सबसे सुंदर मूर्तियां बनाएगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेगी। ऐलान सुनकर गुणीराम के मन में लालच आ गया। साधु बाबा की चेतावनी को भूलकर वह भी अपनी छेनी हथौड़ी लेकर राजधानी की ओर चल गया। एक निश्चित मैदान में एक दर्जन से भी अधिक शिल्पकार एकत्रित हुए थे। सभी अपनी अपनी कल्पना से मूर्तियों का निर्माण करने लगे। तकरीबन 3 हफ्ते उपरांत सभी शिल्पकारों ने अपनी अपनी मूर्तियां पूर्ण कर ली। फिर राजा और मंत्री ने एक एक मूर्ति को देखना शुरू किया। गुणी राम की मूर्ति सुंदर और मुंह बोलती सी लगी। राजा ने गुणी राम की मूर्ति का चयन कर लिया और वैसे ही 10 मूर्तियां और बनाने का आदेश दिया। गुणी राम रात दिन मूर्तियों के निर्माण में जुट गया। 7वीं मूर्ति का निर्माण करते ही हथौड़ी फिसल गई और जोर से उसके हाथ पर लगी।
हाथ लहू लुहान हो गया। छैनी उछलकर पत्थरों के ढेर में गुम हो गई। अचानक उसे साधु बाबा की चेतावनी याद आ गई। तुम ज्यादा लालच मत करना तथा मूर्तियों को उचित दामों पर ही बेचना। यदि तुमने लोभ में पड़कर इससे ज्यादा दाम लेने की कोशिश की तो इसका परिणाम बुरा होगा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुणीराम को अपनी करनी का काफी पश्चाताप हुआ। उसकी छैनी हथौड़ी न जाने कहां विलीन हो गई। गुणीराम ने फिर कभी लालच न करने की कसम खाई। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? बराबर, लालच बुरी बात है। लालच कभी संतुष्ट और सुखी नहीं रहने देता। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने लगा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी की विद्या में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, साधु संतों की बात कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश देता हो तो अपने दोनों कानों में उंगली डालकर वहां से भाग जाना, समझे? हाँ बापू, समझ गए। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। और ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूरी जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने एक आते हुए व्यक्ति से पूछा, वहां उस स्थान पर इतने लोग एकत्र क्यों खड़े हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनका। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ की निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वो नीचे गिर गया। उसी समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान सदा सुखी बनाता है। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद करके राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाने लगा, उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका, अरे कहां जाते हो, कौन हो तुम? उसे महात्मा का उपदेश याद आ गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, चलो आज सच ही बोलकर देखते हैं। उसने उत्तर दिया, भाई मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। अच्छा जाओ। पहरेदार ने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा, वहां ढेर सारा पैसा तथा जेवर देख उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन वहां रखे थे। वह खाने बैठ गया। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, मतलब राजा का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर वह थैला वहीं रखकर वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर ने कहा,
देखिए भाई, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया, इसीलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वो वहां से चल पड़ा। इधर रसोई घर में शोर मच गया। अरे पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है, पकड़ो। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में पेश किया। राजा के पूछने पर उसने बताया, महाराज, एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर सच बताया, अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और चुराया हुआ धन वहीं छोड़कर भागा। उसके इस उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह दो चार दिन घर नहीं गया तो यहाँ उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ा गया। लेकिन जब चार दिन बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, क्यों बाबूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और अब मैं मान और सम्मान से समाज में रह सकता हूँ। तो बच्चों, इससे क्या सीख मिलती है? सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। एक शहर में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका नाम था एना। एक बार एना बहुत बीमार पड़ गई। उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि उसे अपना अधिकांश समय बिस्तर पर ही बिताना पड़ता था। दूसरे बच्चों को भी उससे मिलने की मनाही थी, इसलिए वह बहुत उदास रहा करती थी। पूरा दिन वह उदासी और अकेलेपन में गुजारती थी। जिस बिस्तर पर वह लेटी रहती उसके पास ही एक खिड़की थी। बस वही लेटे लेटे वह खिड़की के बाहर देखती थी। समय इसी तरह बीत रहा था, लेकिन उसकी उदासी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने एक अजीब सी आकृति अपने खिड़की के बाहर देखी। वह एक लोमड़ी थी। कुछ देर बाद उस लोमड़ी ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा और कहा, हेलो दोस्त। उसके बाद वह तबला बजाने लगी। यह सब देखकर एना हैरान थी। वह सोच रही थी कि ये क्या हुआ कि उसने फिर से खिड़की के बाहर एक बंदर को देखा जो गुब्बारा फुला रहा था। उसके बाद से हर दिन उसे अपनी खिड़की के बाहर ऐसे ही अजीबोगरीब और मजेदार कार्टून कैरेक्टर्स दिखने लगे और अपनी मजेदार हरकतों से उसे हंसाने लगे। एना को यह सब देखकर बड़ा मजा आता था और वह खुश होकर खूब हंसती थी। कभी उसे हाथी झूम झूम कर गिटार बजाता हुआ दिखता तो कभी भालू चश्मा लगाकर किताब पढ़ते हुए दिखता, कभी शेर नाच करते हुए दिखता तो कभी खरगोश का गाना सुनाई देता। कभी कभी वो सोचती थी कि ये सब सच है या सपना। उसे सब कुछ जादू सा लगता, इसलिए घर पर उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई। उसे लगता था कि कोई उस पर यकीन ही नहीं करेगा। जब से उसे अपनी खिड़की पर ये मजेदार नजारे दिखने लगे, उसकी उदासी धीरे धीरे दूर होने लगी। अब वो खुश रहने लगी। इसका असर ये हुआ कि उसकी सेहत में बहुत जल्दी सुधार आने लगा। कुछ दिनों में ही वो पूरी तरह से ठीक हो गई और स्कूल भी जाने लगी।
एक दिन वह अपने सहेली के साथ खेलने के लिए उसके घर गई। उसने सहेली से इस घटना का जिक्र किया। जब वह उसे ये बात बता रही थी, तभी उसे अपने सहेली के रूम में कुछ रंग बिरंगे कपड़े दिखाई दिए। नजदीक जाकर ठीक से देखने पर उसने देखा कि यह तो कई रंग बिरंगे फैंसी ड्रेस के कपड़े थे, जिसे उसकी सहेली पहनकर रोज खिड़की पर जाकर अपनी हरकतों से ऐना को हंसाती थी। बस ऐना ने अपने सहेली को गले लगा लिया और तभी उसने तय किया, अभी से वह भी दूसरों के अकेलेपन और उदासी को दूर करेगी। सभी बच्चे हर साल की तरह इस साल भी सेंटा की आतुरता से राह देख रहे थे, गाने गा रहे थे, खूब सेलिब्रेशन चल रहा था। लेकिन पीटर बहुत उदास था। उसने अपने पापा से पूछा, मुझसे फादर सेंटा क्लॉस क्यों नहीं मिलने आते? पीटर के पापा बोले, सेंटा क्लॉस उन्हीं बच्चों को मिलने आते हैं जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं, और तुम तो अपने माता पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते। तुम्हें पढ़ने के लिए कहो तो टाल मटोल कर देते हो। स्कूल से आते ही अपना बैट बॉल लेकर सारा दिन क्रिकेट खेलते रहते हो। जानते हो, जो अपने माता पिता का कहना मानते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उसी से सेंटा क्लॉस मिलने आते हैं। पापा की बात सुनकर पीटर मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला गया। उसने खाना भी नहीं खाया, वो वही बैठे बैठे सो गया। तब किसी ने उसे हिलाकर जगाया। पीटर ने देखा तो हैरान ही हो गया। सेंटा क्लॉस! उसके सामने सेंटा क्लॉस खड़ा था। सेंटा मुस्कुराया और प्यार से पीटर से बोला, कैसे हो पीटर? तुमने अपने पापा से सवाल किया था ना कि मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? हाँ, मगर आपको ये कैसे पता चला? मुझे सब पता है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम पढ़ाई में मन नहीं लगाते और सारा दिन खेल कूद में बिताते हो। क्या यह सही है? पीटर ने सिर झुका लिया और कुछ पल रुक कर बोला, क्या करूँ, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। सेंटा ने पीटर को समझाते हुए कहा, पढ़ाई में मन लगेगा यदि तुम रोजाना नियम से पढ़ने बैठो। पहले तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आदत पड़ जाएगी। देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें पढ़ने को कहते हैं। वह तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कितना खर्च करते हैं, तुमसे उम्मीद है उन्हें। उनका कहना मानना तुम्हारा फर्ज है। जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, उनसे गॉड कभी नाराज नहीं होते हैं। क्या तुम मेरा कहना मानोगे? पीटर उलझन में पड़ गया। सांता क्लॉज ने फिर पूछा, देखो, मैं तुम्हें खास तौर पर मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझसे इतना वादा नहीं करोगे? मुझे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, मैं वादा करता हूँ, जो आप कह रहे हैं वही होगा। मैं कल से पढ़ाई में मन लगाऊंगा, माता पिता का कहना भी मानूंगा। पीटर ने सेंटा क्लॉस से वादा किया। खुश होकर सेंटा क्लॉस ने उसे ढेर सारे उपहार दिए और फिर अगले वर्ष मिलने का वादा देकर वहां से चला गया। सुबह पीटर जागा तो काफी देर तक सेंटा क्लॉस के बारे में सोचता रहा। फिर उसने कुछ फैसला किया और अपने पापा से बोला, पापा, आप मुझे रोजाना मन लगाकर पढ़ने के लिए कहते थे ना? मैं वादा करता हूँ, पढ़ाई में मन लगाऊंगा और आपका कहना भी मानूंगा। I promise you, पापा। पीटर के पापा ने उसे गले से लगा लिया।
कल रात सेंटा क्लॉस का भेष बनाकर वह पीटर के कमरे में आए थे ताकि पीटर को उसकी खुशी भी दे सके और सही दिशा भी। पापा ने मन ही मन में फादर सेंटा के आभार माने। पीटर के पापा को भी ऐसा लगा कि सचमुच सांता ने उनकी भी विश पूरी कर दी। विश यू अ मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू।